दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल पर लाए हैं एक पॉलिशिंग पैड्स अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आप अपनी कार में या बाइक में पॉलिश करना चाहते हैं या कुछ छोटे मोटे स्क्रैच आ गए हैं उनको मिटाना चाहते हैं तो आपको इन पैड्स की ज़रूरत पड़ेगी। यह आपको Amazon पे मिल जाते हैं और ये अलग अलग पीस और अलग अलग साइज में अलग प्राइस में आपको मिलते हैं। मैंने ये 14 पीस का पैक मंगवाया है, आप देख सकते हैं 14 पीस और 3 इंची इसका साइज है। दोस्तों, अगर आप इससे बड़े साइज के लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे हैं ये हमारे स्पंज पैड्स। तो देखने में तो ये हमें सभी स्पंज पैड्स एक से दिखाई दे रहे हैं, डिज़ाइन भी इनका सबका एक सा ही है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, सभी एक साइज के हैं, एक ही डिज़ाइन के हैं, बस कलर का फ़र्क है। ये तीनों तो सेम है। और देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग है, ये ऑरेंज कलर का और ये रेड कलर का, दोनों अलग अलग पीस हैं। रेड वाला थोड़ा सा सॉफ्ट है और ऑरेंज वाला थोड़ा सा हार्ड है, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखाई दिया है। इसी तरीके से दोस्तों, यह जो कलर्स हैं ये सॉफ्ट है और येलो वाला भी सॉफ्ट है, पर ये वाइट वाला जो है ये थोड़ा सा हार्ड है। तो दोस्तों, कुल मिला के कुछ स्पंज हमें इसमें सॉफ्ट मिलते हैं और कुछ स्पंज हमें थोड़े से हार्ड मिलते हैं। यह दोस्तों ऑरेंज और वाइट दोनों हार्ड स्पंज हैं, बाकी दोस्तों सॉफ्ट स्पंज है। आगे दोस्तों देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह के भी हमें जो है पैड्स मिल जाते हैं। ये आपके पॉलिश करने के काम आएंगे। ये कुछ अलग टाइप का मटेरियल है, आप देख सकते हैं रूई टाइप का है ये। और दोस्तों, यह जो है ये हमारा सॉफ्ट एक कपड़ा है, यह आपके दोनों पॉलिश के काम आएंगे। क्वालिटी दोस्तों इनकी ठीक ठाक दिख रही है मुझको। और दोस्तों, एक यह पैड्स मिल जाता है हमको, ये थोड़ा सा हार्ड है और यह ज़रूर हमारा कार में जो स्क्रैच आ जाते हैं उसमें रबिंग करने के लिए होगा, जो रबिंग कंपाउंड आते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता होगा। तो दोस्तों, आगे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, कार का स्क्रैच निकालने के लिए मैंने इसको मंगवाया है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद दोस्तों, लास्ट में मिल जाता है एक ये डिस्क, ये देख सकते हैं आप, प्लास्टिक का है, बैक साइड से प्लास्टिक है और बीच में कोई थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है, येलो कलर का आपको दिख रहा होगा। और ये एक बोल टाइप का हमें मिल जाता है, इसमें हम इसको लगा सकते हैं। यह डिस्क जो है दोस्तों आपका, ये जो ग्राइंडर मशीन आती है उसमें भी लग जाएगा, और अगर आप चाहें तो यह बोल्ट लगा कर आप इसको ड्रिल मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ये यूज़ हो जाता है। और ऊपर के साइड आप इसमें देख रहे होंगे एक लेयर लगी है ब्लैक कलर की, इसमें आप इसको ऐसे चिपका सकते हैं, जितने भी आपके पैड्स हैं सब इसमें अच्छे से चिपक जाएंगे इस तरीके से। तो जो भी पैड्स आपको यूज़ करना हो उस पैड को आप इस पर लगा कर ऐसे चिपका देंगे। उसके बाद दोस्तों, आप ग्राइंडर यूज़ करना चाहें तो ग्राइंडर कर सकते हैं, ड्रिल यूज़ करना चाहें तो ड्रिल मशीन यूज़ कर सकते हैं। टोटल दोस्तों 14 पीस हमको ये मिले हैं, स्पंज और ये डिस्क और इसमें जो बोल्ट आया ये, इसको मिला करके आप देख सकते हैं टोटल 14 पीस ही हमको मिले हैं और हमने इसको अमेज़ॉन से ख़रीदा है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, अपने हिसाब से इसको ख़रीद सकते हैं। कुछ कम प्राइस में भी आपको कम क्वांटिटी में ये मिल जाते हैं, 12 पीस का भी सेट आता है, उससे भी कम आता है, जैसा आपको ज़रूरत हो वैसा आप ले सकते हैं। अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करना है, ग्राइंडर मशीन में कैसे यूज़ करना है और ड्रिल मशीन में कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ग्राइंडर मशीन में इसको लगा के दिखाते हैं आपको। ग्राइंडर मशीन के दोनों बोल्ट निकाल कर आप ओनली डिस्क इसको ऐसे लगा देंगे, ये इसमें आराम से लग जाता है इस तरीके से। और फिर आपको जो भी पैड यूज़ करना हो उसको आप इसके ऊपर ऐसे रख के चिपका देंगे। दोस्तों, ग्राइंडर मशीन के राउंड बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आपके पास स्पीड कम करने वाला ग्राइंडर मशीन हो तो उसका यूज़ करें, और अगर आपके पास स्पीड कम करने वाला वेरिएबल स्पीड ड्रिल मशीन हो तो उसका यूज़ करें। अब इसे हम अपनी ड्रिल मशीन में लगाएंगे, तो इसके लिए आपको यह जो बोल्ट है
पहले इसको इसमें अच्छे से टाइट करके लगाना होगा। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये मेरे पास ड्रिल मशीन है और यह एक वेरिएबल ड्रिल मशीन है, इसको मैं जितना चाहूँ उतनी स्पीड में चला सकता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको ही यूज़ करूँगा, जब भी कार के स्क्रेच निकालूंगा मैं ड्रिल मशीन का यूज़ करूँगा, उस पर एक वीडियो बना दूँगा मैं। तो इस तरीके से आप इसको अपनी ड्रिल मशीन में लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों लगाकर यूज़ करना थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि यह एक स्पीड कंट्रोल ड्रिल मशीन है। दोस्तों मैंने ये 14 पीस स्पंज पैड्स अमेज़ॉन से ख़रीदे हैं और इनका प्राइस 600 रुपये है। इसका ख़रीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।